नमस्कार दोस्तों, मैं शिरीष तिवारी ऑनलाइन अपडेट स्किल्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। नाउ माय टुडेज टॉपिक इज़ योर डेटा वैलिडेशन। सो बेसिकली व्हाट इज़ ए वैलिडेशन? वैलिडेशन इज़ नथिंग बट योर रेस्ट्रिक्शंस ऑन योर डेटा। इफ़ द डेटा इज़ एंटर्ड अकॉर्डिंग टू द वैलिडेशन, इट विल एक्सेप्ट। इफ़ डेटा इज़ नॉट एंटर्ड अकॉर्डिंग टू द वैलिडेशन, इट विल नॉट एक्सेप्ट। चलिए ट्राई करके देखते हैं डेटा वैलिडेशन कैसे काम करता है। दोस्तों, ये स्कूल में यूज़ हो सकता है, कॉलेज में यूज़ हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप डेटा वैलिडेशन यूज़ कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन टेक्स्ट पे काम करता है, नंबर पे काम करता है, लिस्ट पे काम कर सकता है, डेट पे काम कर सकता है। इट डिपेंड्स आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं। तो एक्सेल का एक अमेजिंग फीचर्स है जिसका नाम है डेटा वैलिडेशंस। चलिए ट्राई करके देखते हैं डेटा वैलिडेशन काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं ये डेटा वैलिडेशन नंबर्स के लिए ट्राई करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब मैनेजमेंट ने मुझे कहा था कि आप ग्रेटर देन जीरो और लेस देन हंड्रेड नंबर ही यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। चलिए ट्राई करते हैं। मैं सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेटा वैलिडेशन में गया और यहाँ पे क्लिक करता हूँ डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर है, डेसिमल है, ये सारे ऑप्शंस हैं, बट मुझे जो प्रेफर्ड है वो है होल नंबर्स। क्राइटेरिया मुझे दो सेट करनी है, इसीलिए मैं ऑप्शन लूँगा बिटवीन। नाउ फर्स्ट ऑप्शन क्या था? मिनिमम नंबर होने चाहिए जीरो और मैक्सिमम नंबर होने चाहिए हंड्रेड। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक कर दिया तो मेरा वैलिडेट हो गया ये दोस्तों। अब अकॉर्डिंग टू द वैलिडेशन अगर आप यहाँ पे एंटर कर दें, फॉर एग्जांपल 150, सो डेटा एंटर नहीं हो रहा है बिकॉज इट इज़ नॉट अ वैलिड डेटा। तो वैलिड डेटा अगर आप करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। चलिए एक वैलिड डेटा ट्राई करता हूँ। 100, यस इट इज़ एक्सेप्टेड। 0, यस एक्सेप्टेड। 85, यस इट इज़ एक्सेप्टेड। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र जब भी यहाँ पे एंटर करे तो एंटर करने के पहले उसे एक मैसेज आना चाहिए कि प्लीज़ एंटर द डेटा बिटवीन 0 to 100, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड। तो उसके लिए हम लोग डेटा वैलिडेशन में जाते हैं। देर इज़ ऑप्शन कॉल्ड एज इनपुट। सो मैं इनपुट में सबसे पहले टाइटल दे देता हूँ। टाइटल में यहाँ पे मैंने दे दिया दोस्तों हेलो। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, यू कैन एंटर डेटा दैट इज़ बिटवीन 0 to 100। अगर आप चाहते हैं रॉन्ग डेटा, दैट इज़ इनवैलिड डेटा अगर यहाँ पर आ गया, तो आप यहाँ पे क्या एरर डिस्प्ले करना चाहते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको हिंट दे दिया है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इनवैलिड डेटा। यहाँ पे भी मैं एरर में लिखना चाहता हूँ रॉन्ग डेटा। ओके, अब जैसे ही आप इनवैलिड देंगे तो कंप्यूटर यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा। सो दिस इज़ अ मैसेज, दैट इज़ अलर्ट मैसेज कि यू कैन एंटर बिटवीन 0 to 100। अगर आप ये मैसेज समझ के एंटर करते हैं तो देर इज़ नो इश्यूज़। लेकिन इफ़ यू हैव नॉट फॉलोड द इंस्ट्रक्शन एंड यू आर एंटरिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट, सो इट विल एक्सेप्ट लाइक दिस ओनली, दैट इज़ रॉन्ग डेटा। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ डेटा वैलिडेशन इन नंबर्स। चलिए ट्राई करते हैं डेटा वैलिडेशन टेक्स्ट में कैसे काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहा गया था कि आप लेस देन 8 लेटर्स ही यहाँ पे एंटर करेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं डेटा सेलेक्ट करते हैं डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पे ऑप्शन लेता हूँ जिसका नाम है टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ में मुझे क्या चाहिए? तो ये दीज ऑल द ऑपरेटर्स, मैं ऑपरेटर्स में ले लेता हूँ लेस देन इक्वल टू फॉर एग्जांपल 8। तो मुझे 8 से ज़्यादा यहाँ पे कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। चलिए ट्राई करके देखते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ रामलाल, यस देखो रामलाल एक्सेप्टेड हो गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया शिरीष, यस इट इज़ एक्सेप्टेड। मैंने यहाँ पे दे दिया अमीर मिर्ज़ा। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने अमीर मिर्ज़ा लिखा, यस इट इज़ नॉट अलाउड बिकॉज ये 8 लेटर से ज़्यादा हो गए। तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ डेटा वैलिडेशन इन टेक्स्ट। हाँ, अगर आप इसे कम ऐड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, यस इट विल एक्सेप्ट बिकॉज ये डिजिट्स के नीचे हैं दोस्तों। सिमिलर वे डेटा वैलिडेशन हम लोग डेट में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया था कि आप जो भी रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं वो 10 तारीख से लेके विद इन 30। चलिए ट्राई कर लेते हैं डेटा वैलिडेशन, और मैं सबसे पहले चला गया डेटा वैलिडेशन में, ऑप्शन का नाम है डेट। अब ऑपरेटर आपको चूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे जो डेट चाहिए थी वो स्टार्ट करनी है, फॉर एग्जांपल 10/6/2018, और इसकी जो एंड डेट होगी दैट इज़ 30/6/2018। चलिए ट्राई करके देखते हैं डेट कैसे काम करता है दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले डेटा एंटर कर दिया 25/6/2018। जी हाँ दोस्तों, ये डेटा एक डेटा वैलिडेशन के अंदर है। मैंने यहाँ पे दे दिया 1/7/2018। दिस इज़ नॉट अ इनसाइड वैलिडेशन, ये आउटसाइड वैलिडेशन हो गया। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, दिस मैसेज कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। तो अब यहाँ पे आप वही डेटा एंटर कर पाएंगे जो वैलिडेशन के अंदर है। सो हमने वैलिडेशन दिया था कि अबाव 10 एंड बिलो 30।
30. सो दिस इज कॉल्ड एज डेटा वैलिडेशन. अब डेटा वैलिडेशन के मैं अगले ऑप्शन पे चलता हूँ जिसका नाम है कस्टम लिस्ट. कस्टम लिस्ट जैसे आपने इंटरनेट पे देखा होगा, गूगल पे समटाइम आप ईमेल आईडी फिल करते हैं, वहाँ पे दोस्तों डेट आ जाता है, ऑटोमेटिक मंथ आ जाता है, ईयर आ जाते हैं, कंट्रीज़ या सिटीज़ के नाम आ जाते हैं. तो इस तरह से भी वैलिडेशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में चले जाता हूँ, ऑप्शन का नाम ले लिया मैंने लिस्ट, और लिस्ट में मैं यहाँ पर लिखता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने से टाइप कर दिया मुंबई कॉमा दिल्ली कॉमा पुणे, बस इतना ही लिखता हूँ. ओके देखिए दोस्तों एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया. इस लिस्ट में से आप चूज़ कर सकते हैं जो जो ऑप्शंस आपने यहाँ पे ऐड किए हैं, और आप इस लिस्ट में ऑप्शन को चॉइस कर पाएंगे दोस्तों. लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ी लिस्ट है तो इसे कैसे यूज़ करेंगे? अगर कोई बड़ा लिस्ट है दोस्तों तो इसे लिस्ट को आप पहले प्रिपेयर कर लीजिए, और प्रिपेयर करने के बाद हम चलते हैं डेटा वैलिडेशन के पास. यहाँ पर क्लिक करिएगा और यहाँ से हम चूज़ करते हैं लिस्ट, और आपकी लिस्ट को यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दिस. अब जैसे ही आपने ओके कर दिया, देखिए ये लिस्ट आ गई. अब जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे यू कैन चूज़ द ऑप्शंस जस्ट लाइक अ ड्रॉप डाउन. जैसे मैंने कहा था ईमेल या वेबसाइट में हम इस तरह का डेटा यूज़ कर सकते हैं. जी हाँ दोस्तों, यही था आज का अमेजिंग फीचर जिसका नाम है डेटा वैलिडेशंस. इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, तो इस तरह के कंटिन्यूस वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिएगा. दोस्तों आज का टॉपिक कैसा लगा आपको, आप इसे रिव्यू में ऐड करिएगा. मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा. इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो प्लीज़ शेयर विथ मी. मैं हूँ शिरीष तिवारी, और मैंने आपको अपडेट स्किल्स के थ्रू ये अपडेट किया हुआ है. दोस्तों ये टेक्निक आप भी ट्राई करिएगा और देखिएगा इस तरह के कमाल के ऑप्शन से आपका जॉब कैसे और डेटा कैसे सिक्योर हो जाता है. तो दोस्तों आज का टॉपिक मैं यहीं पर क्लोज कर देता हूँ. जय हिंद, जय भारत. नमस्कार दोस्तों, मैं शिरीष तिवारी ऑनलाइन अपडेट स्किल्स